सभी छात्र एवं छात्रा ध्यान दीजिए, अगर आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स कर रहे थे और आपका सेशन 2020 से 23 था, तो आज बीएससी वाले स्टूडेंट का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है, तो आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट lnmuuniversity.ac.in पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आपको हमने डायरेक्ट लिंक अपने टेलीग्राम में दे दिया है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए बस आपको अपना रोल नंबर कॉपी करना है, यानी टाइप करना है और सर्च कर लेना है, फिर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर ऊपर में आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा सारा ये आपको लोगो रहेगा, उसके साथ नीचे आपका फर्स्ट ईयर में क्या रिस्पॉन्स रहा, सेकेंड ईयर में आपके ऑनर्स पेपर का क्या रिस्पॉन्स था, और थर्ड ईयर में क्या था, आपका सारा रिजल्ट यहाँ पे बना के दिया गया है। आप यहाँ पे अपना चेक कर लीजिए, आप पास हैं, फेल हैं, क्या है। अगर आपका ऑनर्स पेपर में 480 से ऊपर होगा, 480 से ऊपर नंबर आया होगा, तो आप फर्स्ट क्लास से पास हो गए हैं। वहीं पे दोस्तों बात करें, जो छात्र का नंबर 360 से ऊपर होगा, तो वो छात्र समझ जाए सेकेंड क्लास से पास हुए हैं, यानी वही लास्ट पासिंग मार्क है। कम से कम आपको ग्रेजुएशन में 360 नंबर लाने के बाद ही आप पास होते हैं। अगर इससे आपका नंबर कम है तो फिर आप पास नहीं हुए हैं, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिस भी सब्जेक्ट में आपके कम नंबर होंगे। और इससे जुड़ी जानकारी के लिए हम एक प्रॉपर वीडियो कल अपलोड करेंगे, ठीक है, तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।